अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस मोहम्मद इब्राहिम। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया कि हमारे इस्तेआज़ा पांच है। उन इस्तेआज़ा में से हमने सबसे पहला वुज़ू आप इसकी मालूमत हासिल किए। अब आइए हम दूसरा वुज़ू कान इसकी मजीद मालूमत हासिल करते हैं। इसी तरह कान के जरिए हम सुनने का अमल करते हैं। अहम यह है कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमारी समझ में आता है या नहीं, आवाज कर्कट है या मीठी, ये कानों की वजह से ही समझा जाता है। इसी तरह आवाज किस परिंदे की है या जानवर की, ये भी हमें कान के जरिए ही मालूम होता है। आवाज किस शब्द से आ रही है इसका इल्म भी हमें कान की वजह से ही मालूम होता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा वुज़ू नाक। आइए इस तस्वीर को गौर से देखें। ये आम मत खाओ, अम्मी ऐसा क्यों कह रही है? जी हाँ प्यारे बच्चों, अम्मी ने आम की बू नाक के जरिए सुनकर ये महसूस की कि आम खराब है, इसमें बू आ रही है, ये खाने से सेहत पर मुजिर असर हो सकता है, इसलिए अम्मी ने आम खाने से मना की है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने जान लिया है कि नाक से बू सूख सकते हैं। फूलों की और खुशबूदार अगरबत्ती की खुशबू का इल्म भी हमें नाक के जरिए होता है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला हिस्सा वुज़ू है जबान। जबान की वजह से जायके का इल्म होता है। शकर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, कैरी और नींबू का मजा खट्टा होता है, मिर्च खाने पर जबान जलती है। इन तमाम अशिया का जायकों का इल्म हमें जबान की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, जिल्द हमारा हिस्से वुज़ू में शामिल है। जिल्द की वजह से हमें अशिया की कैफियत मालूम होती है, जैसा कि चाय गर्म है, पानी सर्द है, स्वेटर खुरदरा है, बनियान नरम मुलायम है। इन सब का इल्म हमें जिल्द से मालूम होता है।